हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, दिया के लिए लंच जो है मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा आटा ले लिया है, थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करूँगी। रोज़ बहुत कंफ्यूजन होता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो जो समझ में आता है वो बना डालती हूँ, दिया को ध्यान में रख के कि उसको पसंद आना चाहिए। तो बेसन और आटा डालने के बाद इसमें मैं बेसिक मसाले सिर्फ और नमक और मिर्चा डाल रही हूँ। देन उसके बाद ये थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया क्रश करके। अगर आपके पास ना फ्रेश धनिया है तो आप वो यूज़ करो, और अजवाइन भी डालो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बट मेरे पास दोनों ही चीज़ अवेलेबल नहीं थी, मैं बहुत कम चीज़ें रखती हूँ आजकल ना घर में, लिमिटेड। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से पहले तो आटे को, बेसन को, मसालों को मिक्स किया। देन थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने गूंदना स्टार्ट कर दिया। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैंने इसमें हल्दी भी ऐड करी थी, क्योंकि बेसन अगर डाल रहे हैं ना तो एक मतलब अलग से ही एक दिमाग में आता है कि हल्दी तो ज़रूर पड़नी चाहिए, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और आटा गूंद लिया बढ़िया तरीके से, थोड़ी देर रेस्ट पे भी रख दिया था 3 से 4 मिनट। और अभी तवा गर्म हो गया था हमारा, तो इस पर मैंने पराठा जो बनाया है बेसन का आटे का वो बेल के अच्छे से डाल दिया है। एक तरफ से ये अच्छे से सेक गया था तो पलट दिया, और तेल लगा के अच्छे से इसको हम सेक लेंगे और पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। तो जितना मैंने आटा गूंदा था उसमें 3 पराठे बन गए थे। और दिया आपको पता ही है बहुत ही थोड़ा सा खाती है, तो एक ही पराठा लेकर जाएगी। और साथ में मैं ना दूसरा ऑप्शन भी कुछ रखने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं इसका मन करे ये सारी चीज़ें जो मैं इसको दे रही हूँ खाने पीने का, तो मैं सेकेंड ऑप्शन ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ पर पराठे फटाफट से मैंने बना के कर लिए हैं तैयार, और अभी दिया सो ही रही है, उसको उठाना भी है और उसका लंच पहले पैक कर देती हूँ। तो थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था उसको, जो पहला पराठा मैंने बनाया था, तो मैंने ये यूनि रैप का जो है पेपर फॉइल ले लिया है, इसके अंदर रख दूंगी मैं ये पराठा कुछ इस तरीके से करके। और टिफ़िन मैं अधिकतर ना यही वाला यूज़ करती हूँ, काफ़ी हल्का फुल्का सा है, दिया को आसानी रहती है खोलने में। और साथ में जो है मैं सॉस रखूँगी इसके साथ, जिससे कि ये पराठा ईजिली खा पाए। वैसे तो नमकीन पराठा ऐसे रूखा भी खाएगी तो चलेगा। और यहाँ पर मैं इसके लिए केक रख रही हूँ, जो कि इसकी मौसी बहुत सारे लेकर आई थी, इसके लिए पूरा डब्बा ही लेकर आ गई थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा उसको डेली दे देती हूँ, मतलब रोज़ रोज़ एक एक दे देती हूँ। और मैं कहती हूँ अपने फ्रेंड के लिए भी ले जा। और ये वाली जो क्लिप है ना, जब मैंने सुबह किचन में एंट्री करी थी ना, तब की है। देखिए, गैस पे पतीला रखा था, उसके अंदर पॉपकॉर्न सीजर भी रखी हुई थी और ढाक के रखा हुआ था। इसको जब भी कुछ खाने पीने का मन करता है ना दिया को, या तो वो शेल्फ पे सजा देती है या फिर कुछ इस तरीके से रख देती है। और देखो, सीजर भी रखी है उसने, ताकि मैं ईजिली जो है पॉपकॉर्न का पैकेट को खोल सकूँ और इसके लिए बना पाऊँ। बट अभी इसको हो रही है काफ़ी ज़्यादा खांसी, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चलो उठ जाओ, मैं पानी गर्म कर रही हूँ, ठीक है? नहाई नहाई करके जाएगा ना, थोड़ी देर बाद नहा लेना, जाने से 15 मिनट पहले नहा लेना, ठीक है? नाश्ता कर लो पहले, लेकिन उठ जाओ जल्दी जल्दी से, ठीक है? मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। सो नाश्ता बनाने के बाद मैंने दिया को उठाया है, उसकी नींद टूट चुकी है, उठी हुई है वो, थोड़ा सा बस अपना आलस जो है कम करने की लेटे लेटे कोशिश कर रही है। तब तक जो है मैं रोज़ की तरह आ गई हूँ बाथरूम में, पानी वगैरह जो है मैं भरती हूँ दोनों बाल्टी खाली करके। सबसे पहले तो जो भी पानी होता है ना बाल्टियों में, उससे बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और आज जो है मैं गर्म पानी यूज़ करूँगी दिया के लिए, बिकॉज़ 2 से 3 दिन हो गए हैं बारिशें काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, और सुबह के टाइम पे तो काफ़ी ठंडक सी होती है। तो नेहा ने बोला था कि इसको ना अब थोड़ा थोड़ा जो है गुनगुने पानी से नहलाना स्टार्ट कर दे, इसको काफ़ी जल्दी जो है खांसी जुकाम हो जाता है दिया को, तो इस वजह से मैं पानी इसके लिए गर्म कर रही हूँ। देन उसके बाद जो है मैंने इसको नहला भी दिया और मैं आ गई बाहर। इसको नाश्ता देने के बाद मैंने मशीन में जो है कपड़े डाल रखे हैं, और ये जो कपड़े हैं आपको पता ही है मैंने 2 दिन पहले धोने स्टार्ट किए थे। बारिश जो है अगले दिन से लग गई है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है कपड़ों को डालने, छत पे मैं डालने जा नहीं पाती, क्योंकि फिर बारिश एकदम से पड़ती है तो ऊपर एकदम चढ़ना, और आजकल बंदरों का आतंक काफ़ी ज़्यादा हो रखा है हमारे इधर, काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो भैया ऊपर ना जाने में ही भलाई है, नीचे ही थोड़े थोड़े करके डाल देती हूँ। और ताला भी नहीं खोला है देखो मैंने अभी, तो कपड़े डालने के बाद ना मैं सबसे पहले स्कूटी बाहर निकालूंगी और फिर उसके बाद जो है दिया को तैयार करूंगी। तो आज सैटरडे है, कोई टेंशन नहीं है कि इसको ड्रेस वगैरह पहनानी है या फिर टाई बेल्ट ये सब लगाना है, नॉर्मल इसको जो है ड्रेस पहननी है, एक
जो निक्कर टी शर्ट होती है, साथ में जो है जो किट होती है वो पहननी है। तो आज आराम से रिलैक्स होके मैं थोड़े एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले काम भी जो है निपटाने में लगी हुई हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर वाले रूम में, ये अभी भी स्टिल नाश्ता कर रही है, और मेरा जो टी शर्ट है ना वो उल्टा मैंने पहना हुआ, मतलब पीछे का आगे कर रखा है, आगे का जो है वो पीछे कर रखा है, तभी ऊपर एकदम गला चढ़ा हुआ दिख रहा होगा आपको। और मैं अभी ना टाइम टेबल के हिसाब से इसका बैग पैक कर रही हूँ। वैसे इतना ज़्यादा भारी इसका बैग होता नहीं है, मैं इसको बिल्कुल क्लास तक छोड़ के आती हूँ और लेकर भी आती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे, वो सारी बुक्स निकाल के बैठे रहते हैं स्कूल में, और इनको पढ़ना तो आता नहीं है अपने नाम वगैरह, तो इनकी बुकें एक दूसरे के बैग में जा सकती हूँ, इस वजह से मैं लिमिटेड चीज़ें बैग में रखती हूँ टाइम टेबल के हिसाब से। और लंच बॉक्स भी रख दूँगी, साथ ही साथ पेंसिल बॉक्स भी चेक कर रही थी और गुस्सा भी हो रही थी। मैं इसको रोज़ इरेजर देती हूँ, वैसे तो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है पेंसिल रबड़ कटर, घर से कुछ भी नहीं लेकर जाना होता, हम एक साथ जो है वहाँ पे कर देते हैं स्टेशनरी के लिए भी, बट मैं फिर भी इसको दे के भेजती हूँ। लेकिन ये हमेशा घर से लेकर गई हुई चीज़ें भी स्कूल में जमा करके आ जाती है, इसी वजह से डांट रही थी। फिर जो है दिया को तैयार करके मैं स्कूल छोड़कर आ गई हूँ, और उसको छोड़कर जब मैं आई थी तो आते वक्त दूध का पैकेट लेकर आई हूँ, साथ में मैं लेकर आई हूँ एक ब्रश जो कि मुझे अच्छा लग रहा था दिया के लिए, तो मैं ब्रश भी लेकर आ गई हूँ। और साथ में जो है निलॉन्स का पिकल भी दिख गया था मुझको, मिक्स पिकल, और चिल्ली वाला पिकल भी था, लेकिन मैं मिर्चा इतना ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ, अचार भी बहुत कम खाती हूँ मैं, तो ये 10 रुपीज़ का था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और साथ में ये लेकर आई हूँ फ़ैन, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने जो बिल्कुल घर के पास में दुकान है ना वहाँ से ले लेके खाती हूँ, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता था। ये पूरा जो है 20 रुपीज़ का पैकेट है, इसके अंदर 10 है, वैसे मैं अगर 4 लेती थी तो वो 15 रुपये के पड़ते थे। तो आज जो है मैं पैकेट पूरा ख़रीद के लेकर आ गई हूँ, और इसको मैं इंजॉय करने वाली हूँ। किस किस को ये पसंद है बताइएगा कॉमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपकी और मेरी पसंद जो है मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इंजॉय करने लगी हूँ अपना ये फ़ैन, और मैं यही खाऊंगी 2 से 3 जो भी है, छोटे छोटे साइज़ के हैं, बड़े वाले नहीं है ये, जब हम छोटे छोटे से थे तो बड़े बड़े से मिलते थे और 1 रुपये का एक मिलता था, अभी ये छोटा वाला साइज़ ही ना ये 3 रुपये का एक मिलता है, और जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ जो पहले मिला करता था वो 5 रुपये का मिलता है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, समोसों के और इन सारी चीज़ों के, बट आजकल ना जो लड़कियाँ होती हैं उनकी उम्र ही नहीं बढ़ रही, उनकी उम्र स्टिल वही की वही है, बल्कि समोसों की उम्र, रेट, सब कुछ बड़ा चला जा रहा है। तो मैं नहा के तैयार भी हो चुकी हूँ, मैं दिया के जाने से पहले ही नहा ली थी, क्योंकि जब इसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना तो ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ही चली जाती हूँ, ठीक ठाक कपड़े होते हैं, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं जा रही हूँ अभी मम्मी के घर पे, बिकॉज मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, मैं पूरी रात जागी हूँ, पूरी रात मैंने मतलब 2 से 3 वीडियो जो है अपनी बनाई है उसको एडिट किया है, एक दो तो मैंने अपलोड भी कर दिए, बस पब्लिक नहीं किया है, अनलिस्टेड है, कंपनी वालों को जो है भेज दी है, वो चेक करेंगे, अप्रूवल देंगे, देन उसके बाद जो है मैं उसको पब्लिक कर दूंगी। और फिर जो है दिया के स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा अब क्या सोना, मैं फिर जो है लंच बनाने में लग गई, उसको स्कूल छोड़ के आई, फिर आके घर का काम किया, कूड़े वाले भैया का इंतजार कर रही थी जो कूड़ा लेने आते हैं, उनको सारा कूड़ा वगैरह भी दे दिया है, यहाँ पर कपड़े काफ़ी सारे फैले हुए हैं, बिकॉज मैं जब भी कपड़े धोती हूँ मौसम एकदम खराब हो जाता है, तो शिफ्ट में थोड़े थोड़े से जो है कपड़े में डाल रही हूँ, अभी भी डले हुए हैं थोड़े से, ये थोड़े से सूख गए हैं, ये नीचे भी रखे हैं, ये थोड़े से गीले हैं, और मेरे हाथ में रोटी है जो मैं बाहर ड्रायर को दूंगी, और मशीन के ड्रायर में भी कपड़े हैं, तो शिफ्टों में काम चल रहा है, क्या करूं। और छत पे मैं डालती इसलिए नहीं हूँ, 3-3 बंदर आए हुए हैं, काफी ज्यादा आतंक मचाया हुआ है, टंकी का ढक्कन बार बार खोल देते हैं, और दूसरी चीज क्या है ना, मैं छत पे चढ़ू एकदम से धप्पा मार ले, फालतू में कुछ हो, इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं काम, बाकी चलते हैं मम्मी के घर पर, मुझे नींद आ रही है, मैं वहीं पर सोऊंगी, यहाँ पे सोने का मतलब वही है कि पता चला मैं सोती रह गई और दिया की छुट्टी हो गई और वो वेट करी, आज वैसे भी जल्दी होनी है 11 बजे, 10 तो बज ही रहे हैं, 10:15 बज रहे हैं, तो चलते हैं, ये कर तू बाहर। ताले भी लगा दो, ताले नहीं लगाए।
सोकर उठ चुकी हूँ मैं अच्छी खासी नींद लेके। और खाने में देखो मम्मी ने क्या बनाया, सब लोग खा चुके हैं, बस मुझे ही खाना है। अभी राजमे चावल बने हैं, साथ में अभी नाश्ते में बनी थी आलू की सब्जी, तो वो भी मैं थोड़ी सी ले लूँगी। पेट लग चुकी है मेरी, चलो चलते हैं चम्मच लेके अंदर रूम में, वहाँ बैठ के खाना इंजॉय करेंगे। काफ़ी टाइम बाद जो है बना बनाया खाना खा रही हूँ मैं, साथ में नमक भी रख लेती हूँ क्योंकि उठना ना पड़े। मैं तेज नमक खाती हूँ तो डालती ज़रूर हूँ हमेशा हर खाने में। आ जाओ इधर दिया, आ जाओ। कहाँ गई थी पकड़ने? चलो नानी पास जाओ। मैं मम्मी के घर से अपने घर पे शाम के 4 बज गए हैं। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी, काफी सारा मैंने काम किया और रात से ही मैं काम कर रही थी। मैं पूरी रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई हूँ, मैंने एक झपकी तक नहीं ली है। और काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा नींद नहीं आ रही तो काम कर लेते हैं, बेवजह फोन में वीडियोस या फिर कहानियां पढ़ने का क्या मतलब है। वैसे तो मैं रात को जब मुझे नींद नहीं आती ना, मैं कहानियां ही पढ़ती हूँ, चाहे प्रतिलिपि हो जाए, एक और एक ऐप है फेसबुक पे, वो उसमें कहानियां पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है घरेलू कहानियां, तो वो ही पढ़ती रहती हूँ। मैं यूट्यूब पे काफी सारे लोगों को ना तो फॉलो करती हूँ ना उनको मैं देखती हूँ। कुछ कुछ लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ही हैं, मैं उनको ही देखती हूँ, कल्याणी, रिया, निवेदिता और एक दो और हैं जो मुझे पसंद है, लक्ष्मी गैरी, रश्मि जी और एक दो और हैं जो बहुत पुराने पुराने हैं, मैं उनको ही देखती हूँ, जिनको देख के मैं खुद आई थी यूट्यूब पर, तो उन सबको मैं फॉलो करती हूँ बहुत अच्छे से। बुलबुल को भी देखती हूँ, बुलबुल भी मेरी फ्रेंड है, तो बस ऐसे ही मेरा टाइम निकल जाता है। और कल तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी रात को, सच बता रही हूँ। ऐसे किसी को नहीं जागना चाहिए पूरी पूरी रात, आपकी सेहत पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अब मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मैं जैसे सुबह के टाइम सोती हूँ ना दिया को स्कूल से छोड़कर आने के बाद, कि चलो रात को नहीं सोई अभी सो जाती हूँ, तो वो 2 से 3 घंटे की नींद ना बहुत ज़्यादा आपको अंदर तक हिला देती है। आपको ऐसा लगेगा नींद कच्ची आप उठ गए हो, या फिर आपको अंदर बहुत ही सारी कमियाँ महसूस होगी, आपको कुछ ऐसा पीने को चाहिए होगा जो आपको एकदम से एनर्जी दे दे। बहुत ही ज्यादा उठा पटक सी चलती है अंदर। जो ऐसे करते होंगे ना मेरी तरह पागलपंती करते होंगे, उनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होगी। तो मेरी मिस्टेक है, मैं पूरी रात जागी, और मैं ऐसा एक बार नहीं कई बार कर चुकी हूँ। इस बार तो मैंने कहा चलो मम्मी के घर जाके सोती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा सीरियसली नींद आ रही थी। मैं 11:30 बजे सोई हूँ, फिर भी दिया के स्कूल से आने के बाद उसका बैग चेक किया, लंच बॉक्स चेक किया, होमवर्क चेक किया, क्या मिला है, डायरी चेक करी, और बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं इसको, 10 में से 8 ओरल में। इसने 2 पोएम जो है वहाँ पे सुनाई थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी, उससे पहले भी आ रही थी, मैं लेट चुकी थी, वहाँ जाके सीधा लेटी हूँ मैं। मम्मी ने कुछ सवाल जवाब नहीं किया मुझसे, मैंने भी कुछ नहीं बोला। मम्मी को पता रहता है या तो मेरी तबीयत खराब होती है या फिर मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती हूँ, तो ही मैं मतलब ऐसे जाके लेट जाती हूँ। अदरवाइज तो मैं जाके कुर्सी पर बैठती हूँ, फोन चलाती हूँ, थोड़ा बहुत बातें बहुत ज्यादा नहीं होती है, बातें मतलब लिमिटेड होती है, क्योंकि रोज ही आना जाना जब होता है तो बातें क्या स्पेशल करो बैठ के, है ना। वही पहले वाली फीलिंग है जैसे घर में घूमते फिरते थे, एक बच्चा वहां बैठा है, एक बच्चा वहां बैठा है, कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है। तो फिर मैं 2:30 बजे के करीब उठी हूँ, मम्मी ने स्पेशली राजमे चावल बनाए थे मेरे और दिया के लिए, वो खाया, फिर मैं आ गई घर पे। दिया ने काफी ज्यादा इंजॉय किया है, और कुछ कमेंट्स जो होते हैं ना बड़ा दिल दुखाते हैं सच में। कई बार तो मतलब मैं सोचती हूँ यार ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन थिंकिंग देखो लोगों की कहाँ से कहाँ सोचते हैं यार, मेरे घर का मामला तुम्हें उससे क्या मतलब है ना। इस चीज का मैं जवाब दूंगी कल की वीडियो में, जरूर जवाब दूंगी। ये जो आजकल लोगों का सेकंड मैरिज सेकंड मैरिज सेकंड मैरिज कर लो कर लो कर लो ये सब चीजें आ रही है ना, तो भैया क्यों कर लूँ क्यों कर लूँ? मेरे मायके वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से रह रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? और मेरा शादी करने से क्या होगा कैसे होगा इस चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी लाइफ है और मैं शादीशुदा हूँ,
मैं इस चीज को कितनी बार बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं इस चीज को, लेकिन लोगों को नहीं समझना, नहीं समझना लोगों को। इसके लिए मैं स्पेशली बोलूंगी, इस कमेंट के लिए तो मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। मतलब यार घटिया बने की ना हद होती है। आप मतलब इतने लालची, इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो? कितना गलत चीजों में दिमाग चलता है। मतलब एक मतलब शादी को ना यूट्यूब पे लोगों ने व्यापार बना दिया है, बिल्कुल व्यापार बना दिया है कि ऐसे कर लो तो वैसे हो जाएगा, वैसे कर लो तो वैसे हो जाएगा। बट मैं इन चीजों में घुसना ही नहीं चाहती हूँ। जिस गली जाना नहीं उस चीज की बात क्या करनी। और पहली बात, जो चीज मेरे चैनल पे हो रही है उसके बारे में बात करूँ, किसी और के चैनल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसकी लाइफ में क्या सिचुएशन थी, उसने किस सिचुएशन में कैसे किया, क्यों किया, ये तो ना तो वो एक्सप्लेन करेंगी ना मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे दूसरों की लाइफ पे क्यों इफेक्ट पड़े, क्यों हमें गंदे कमेंट्स कर रहे हो, क्या मजा आ रहा है आप लोगों को? मैं इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए हर चीज ना एक लिमिट में अच्छी लगती है। हम इग्नोर करते रहेंगे ना, हम सुनते रहेंगे, सामने वाला बेशरम होके कुछ भी बोल के चला जाए और दूसरा बिल्कुल मतलब ये सोच के कि यार चल इग्नोर करते हैं, चल इग्नोर करते हैं, यही सोच के मतलब चुपचाप बैठा रहे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इस बार तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसका मैं कल की वीडियो में आपको जवाब दूंगी, स्पेशली क्योंकि अभी मेरा मूड अच्छा खासा है, मम्मी के घर से टाइम स्पेंड करके आई हूँ और कम्युनिटी पे मैंने वो कमेंट छाप रखा है स्क्रीनशॉट लेके, डिलीट कर चुके हैं वो, जो जिसने भी किया था वो करके भाग गई, क्योंकि अपने आप को जस्टिफाई भी तो करना होता है जब हम कुछ करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, तो उस चीज को जस्टिफाई भी तो करना होता है, उसको सही साबित करना होता है, दूसरों को नीचे गिराना होता है। तो वो कमेंट जो है डिलीट करके भाग ली है, फेक आईडी बना रखी थी, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेके उससे पहले ही रात को ही लगा दिया था स्क्रीनशॉट, वो देखिएगा जरूर। बाकी कल की मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, खास तौर पे मौसम चेंज हो रहा है, काफी सारी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, तो उससे बच के रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।